आज हम विलियम सी डगलस, जिनका फुल नेम है विलियम कैम्बल डगलस, उनके द्वारा लिखी गई अ गर्ल विद अ बास्केट की समरी पढ़ेंगे और फिर इस लेसन पर बेस्ड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समरी पढ़ लेते हैं। लेखक ने अपनी यात्रा न्यू दिल्ली से बरेली तक के लिए ट्रेन से शुरू की और फिर बरेली से रानीखेत तक वो कार से गए। उनकी ट्रेन रास्ते में आने वाले हर स्टेशन पर रुक जाती थी और वो अपने कंपार्टमेंट से उतरकर प्लेटफॉर्म पर आते थे और लोगों से बातें करते थे और वो लोगों से बातें करके उनकी नब्ज़ जानने की कोशिश करते थे, उनके विचार जानने की कोशिश करते थे। लेखक को प्लेटफॉर्म पे हर तरह के लोग मिले, हर व्यवसाय, हर धर्म और हर जाति के लोग मिले और उनमें ज़्यादातर नंगे पैर होते थे और सफ़ेद रंग के ढीले ढाले वस्त्र पहने होते थे। लेखक की ट्रेन गंगा के ऊपरी मैदानों से होकर गुजरी, जहाँ के काफ़ी बड़े से क्षेत्र में धान की खेती लगी हुई थी और उस समय गंगा बाढ़ के पानी से उफन रही थी और धान के खेत को काफ़ी बड़े से क्षेत्र में डुबो दिया था। उन्होंने भयानक जंगल भी देखे, जहाँ पर मनुष्य के सर से भी ऊंची घासें लगी हुई थी, कहीं कहीं पर पेड़ों के झुरमुट भी थे और जंगली जानवरों की गुफाएँ भी थीं। जिन गांव से होकर उनकी ट्रेन गुजरी, वहाँ पे जो घर थे उनकी दीवारें, एक स्टेशन पर जब लेखक लोगों से बात कर रहे थे, उसी वक्त बच्चों के एक झुंड ने उन्हें घेर लिया। उनके हाथों में बास्केट्स थे और फैंस थे जो वो बेचना चाहते थे। ये बच्चे उन शरणार्थी लोगों के बच्चे थे जो 1947 में पार्टीशन के बाद पाकिस्तान से भारत आए थे और यहीं पर सेटल हो गए थे। उन बच्चों के बीच में एक 9 साल की छोटी सी खूबसूरत लड़की थी, जिसके हाथ में भी बास्केट था और वो चाहती थी कि उसके बास्केट्स को लेखक ख़रीद ले। लेकिन लेखक को ना तो बास्केट्स की आवश्यकता थी और ना ही वो उनके पास और जगह बची थी। उन्होंने दान के रूप में कुछ पैसे उस लड़की को देना चाहा, लेकिन उस लड़की ने बहुत ही गौरव और शालीनता के साथ उन पैसों को लेने से इनकार कर दिया। फिर अब लेखक के पास उनकी टोकरियां ख़रीदने के अलावा कोई चारा नहीं था। आखिरकार लेखक को उनकी टोकरियां ख़रीदनी पड़ी और उन पैसों को लेकर वो लड़की खुशी खुशी अपने घर की तरफ चली गई। अपनी यात्रा के दौरान, भारत यात्रा के दौरान लेखक ने ये पाया कि भारत में रहने वाले लोग, चाहे वो गांव में रहने वाले हों या फिर शहर में सरकारी कार्यालयों में ऊंचे पदों पर काम करने वाले लोग हों, दोनों में ही नागरिकता और गौरवता की उच्च भावना थी और उनमें आज़ादी की तीव्र इच्छा थी और वो सब अपने राष्ट्र से बहुत प्रेम करते थे। और वो 9 साल की लड़की जिसने लेखक को बहुत प्रभावित किया था, उसका जिक्र लेखक ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से किया कि वो लड़की जो अशिक्षित थी और गंदी बस्ती में पली बड़ी थी, उसने भारत की एक जीवंत आत्मा की झलक दिखा दी थी और यही एक कारण था जिसकी वजह से लेखक को भारत से लगाव हो गया था। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़, वाई वर दीज चिल्ड्रेन डिस्क्राइब्ड एज रिफ्यूजीज़? इन बच्चों को शरणार्थी के तौर पर क्यों डिस्क्राइब किया गया? दीज चिल्ड्रन वर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दोज पीपल हु लेफ्ट पाकिस्तान एंड सेटल डाउन इन इंडिया इन 1947 आफ्टर पार्टीशन वॉज डिक्रीड। ये बच्चे उन लोगों के बेटे और बेटियां थे जिन्होंने 1947 में पार्टीशन के आदेश के बाद पाकिस्तान छोड़ दिया था और भारत में सेटल हो गए थे। दीज पीपल रिसीव्ड शेल्टर हियर, और इन लोगों को यहाँ पर शरण मिली थी। सो दीज चिल्ड्रन वर डिस्क्राइब्ड एज रिफ्यूजीज़, इसलिए इन बच्चों को शरणार्थी के तौर पर डिस्क्राइब किया गया है। सेकेंड क्वेश्चन इज़, वाई डिड द रिफ्यूजी चिल्ड्रन डिसेंट लाइक लोकस्ट ऑन द राइटर? कि ये शरणार्थी बच्चे लेखक पर टिड्डियों की तरह क्यों टूट पड़े? रिफ्यूजी चिल्ड्रन वर वेरी पुअर, वो शरणार्थी बच्चे बहुत गरीब थे। दे वॉन्टेड टू सेल देयर आर्टिकल्स
वो अपने सामानों को बेचना चाहते थे. द राइटर एन अमेरिकन वॉज द मोस्ट प्रोमिसिंग मार्केट फॉर देम. और लेखक जो कि एक अमेरिकन था वो उनके लिए एक आशापूर्ण मार्केट था, यानी बच्चों को ये उम्मीद थी कि वो उनके सामान को ज़रूर ख़रीद लेगा. सो दे डिसेंडेड लाइक लोकस्ट ऑन हिम, और इसीलिए वो टिड्डियों की तरह उन पर टूट पड़े. थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द राइटर डू टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन. लेखक ने राष्ट्र की नब्ज जानने के लिए क्या किया. द राइटर गॉट डाउन एट एवरी स्टेशन ऑन द वे. लेखक रास्ते में आने वाले हर स्टेशन पर उतर जाते थे. ही टॉक टू द पीपल एंड डिस्कस्ड एवरी मेजर टॉपिक. और वो लोगों से बात करते थे रिगार्डिंग द वर्ल्ड अफेयर्स, और सांसारिक मामलों से संबंधित हर बड़े टॉपिक पर, हर बड़े विषय पर डिस्कस करते थे. इन दिस वे, और इस तरह से द राइटर ट्राई टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन. और इस तरह से लेखक राष्ट्र की नब्ज जानने की कोशिश करते थे. फोर्थ क्वेश्चन इज, हु डिस्टर्बड द कंटिन्यूटी ऑफ द राइटर्स कॉन्वर्जेशन एट वन ऑफ द स्टेशंस. यानी एक स्टेशन पर लेखक के बात करने के सिलसिले को किसने बाधित किया. आंसर है, एट वन स्टेशन द राइटर वॉज टॉकिंग अ मैन. कि एक स्टेशन पर लेखक एक व्यक्ति से बात कर रहा था. सडनली अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट सराउंडेड हिम. अचानक बास्केट्स बेचने वाले बच्चों के एक समूह ने उन्हें घेर लिया. द राइटर वॉज अनेबल टू मूव, और लेखक हिलने के भी काबिल नहीं था. दस हिज कन्वर्सेशन वॉज डिस्टर्ब्ड, और इस तरह से उसकी बातचीत में बाधा पड़ गया या उसकी बातचीत बाधित हो गई. फिफ्थ क्वेश्चन इज, विच वेंडर अमंग द चिल्ड्रन ड्रीव राइटर्स अटेंशन मोस्ट एंड वाई. कि उन सामान बेचने वालों में, उन फेरी वालों में किन बच्चों ने राइटर के ध्यान को ज़्यादा अपनी तरफ खींचा और क्यों. देयर वॉज अ ब्यूटिफुल 9 years old गर्ल अमंग दोज चिल्ड्रन. उन बच्चों के बीच में एक 9 साल की लड़की थी. शी वॉज डिलिजेंट एंड अग्रेसिव. वो बहुत ही परिश्रमी और आक्रामक थी. वाइल अर्जिंग टू बाय द बास्केट्स, और बास्केट को ख़रीदने के लिए अर्ज करते हुए, यानी रिक्वेस्ट करते हुए, शी हैड टीयर्स इन हर आइज. उसकी आंखों में आंसू थे. हर टोन ऑफ रिक्वेस्टिंग इम्प्रेस्ड द राइटर मोस्ट. और उसके रिक्वेस्ट करने का जो लहजा था उसने लेखक को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था. सिक्स क्वेश्चन इज, हु हैड गिवन द ऑथर अ ग्लिम्स ऑफ वार्म सोल ऑफ इंडिया एंड हाउ. कि किसने लेखक को भारत की जीवंत आत्मा की झलक दिखाया था. आंसर है, दैट ब्यूटीफुल रिफ्यूजी गर्ल हैड गिवन द ऑथर अ ग्लिम्स ऑफ वार्म सोल ऑफ इंडिया. कि उस खूबसूरत शरणार्थी लड़की ने लेखक को भारत की जीवंत आत्मा की झलक दिखा दी थी. शी रिफ्यूज टू टेक द गिवन टू हर एज अ चैरिटी. और उसने दान के तौर पर दिए गए मनी को, दिए गए धन को लेने से इनकार कर दिया था. एंड शोड अ सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ग्रेशियसनेस ऑफ एन इंडियन लेडी. और उसने एक भारतीय महिला की शालीनता और आत्मसम्मान की भावना को दिखाया था. सेवेंथ क्वेश्चन है, हु आर दीज चिल्ड्रन, वाई वर दे सेलिंग बास्केट्स एंड फैंस. ये बच्चे कौन थे और ये टोकरियाँ और पंखे क्यों बेच रहे थे. दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन. ये शरणार्थी बच्चे थे. देयर पेरेंट्स वर वेरी पुअर. उनके माता पिता बहुत गरीब थे. दे हैड टू कम फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन एंड सेटल डाउन इन इंडिया. और उन्हें विभाजन के बाद पाकिस्तान से आना पड़ा था और भारत में आकर सेटल होना पड़ा था. सो दीज चिल्ड्रन वर सेलिंग बास्केट्स एंड फैंस टू अर्न देयर लाइवलीहुड. इसलिए ये बच्चे अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए पंखे और टोकरियाँ बेच रहे थे. एट क्वेश्चन है, हाउ डिड दीज पेजेंट्स अमंग रेफ्यूजीज लीड देयर लाइव्स आफ्टर पार्टीशन. के विभाजन के बाद उन शरणार्थियों के बीच जो खेतियर परिवार थे वो अपना जीवन कैसे बिताते थे. आंसर है, दीज पेजेंट्स अमंग रेफ्यूजीज वर अकस्टम टू लिव विद अ वेरी लिटिल अमाउंट. ये खेतियर परिवार जो शरणार्थियों के बीच, जो ये खेतियर परिवार थे, वो बहुत ही थोड़े से में ज़िंदगी गुजारने के आदि थे. देयर इनकम वॉज वेरी लो. उनकी इनकम बहुत कम थी. एंड डिड नॉट एक्सीड $100 a year. और एक साल में $100 से भी आगे नहीं बढ़ती थी.
देयर वॉज ओनली वन मील अ डे और उन्हें दिन में सिर्फ एक बार खाना होता था. एंड दे कुड गेट एन अनियन, अ पीस ऑफ ब्रेड, अ बोल ऑफ पल्स एंड अ बिट ऑफ गोट चीज़. और उस खाने में उन्हें एक प्याज मिलती थी, एक रोटी का टुकड़ा मिलता था, बोल ऑफ पल्स एक कटोरी दाल मिलती थी और थोड़ा सा बकरी के दूध का पनीर मिलता था. नाइन्थ क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द थिंग्स एंड सीन्स द राइटर सॉ ऑन द वे फ्रॉम दिल्ली टू रानीखेत. यानी उन चीज़ों और दृश्यों का वर्णन कीजिए जिसे लेखक ने दिल्ली से रानीखेत जाते हुए रास्ते में देखा था. द राइटर सॉ मैनी थिंग्स ऑन हिज वे. राइटर ने अपने रास्ते में बहुत सारी चीज़ें देखा था. ही सॉ प्लेन ऑफ अपर गंगा रिवर. उसने गंगा के ऊपरी मैदानों को देखा. ग्रेट एक्सपेंस ऑफ ग्रास हायर देन मैन्स हेड. मनुष्य के सर से भी ऊंचे घासों का एक बहुत बड़ा विस्तार भी देखा. फॉरेस्ट विद होम्स ऑफ एनिमल्स. ऐसे जंगल भी थे जिसमें जंगली जानवरों के घर थे, गुफाएं थी. वाइल्ड पासिंग थ्रू अ विलेज और एक गांव से गुजरते हुए ही सॉ हाउस वॉज मेड ऑफ मड मिक्स्ड विद वाटर एंड काउडंग. उन्होंने ऐसे घर देखे जिनके दीवार मिट्टी, पानी और गाय के गोबर से मिक्स करके बनाई गई थी. टेंथ क्वेश्चन है व्हाट वन रीज़न डिड द राइटर गिव टू पंडित जवाहरलाल नेहरू फॉर हिज हैविंग फॉलन इन लव विद इंडिया. कि वो कौन सा एक कारण था जिसे लेखक ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताया जिसके कारण उन्हें भारत से प्रेम हो गया था. द राइटर गेव ओनली वन रीज़न फॉर हिज हैविंग फॉलन इन लव विद इंडिया. भारत से प्रेम करने का सिर्फ एक ही कारण